हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, गुप्ता एज। तो दोस्तों, मतलब हम लोग थर्ड सेंचुरी की बात कर रहे हैं, थर्ड सेंचुरी एडी। इस चैप्टर को दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले है इंपॉर्टेंट रूलर्स की, और उसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, ये जो गुप्ता एज है, इसमें हम तीन तरीके के रूलर्स देखेंगे। पहला है जो फाउंडर थे श्री गुप्ता और घटोत्कच, उनको देखेंगे। और उनके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रेटर गुप्ता आते हैं, जिन्होंने गुप्ता को छोटे से राजा से लेकर एक बड़ा गुप्ता एम्पायर स्टेब्लिश किया, तो वो होंगे ग्रेटर गुप्ताज। फिर हम लोग देखेंगे कुछ वीक गुप्ताज आते हैं, मतलब लेटर गुप्ताज, तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुशानास के बारे में। ये जो अराउंड 250 एडी आए थे, जब कुशानास वीक होने लगे तो गुप्ता एज, मतलब गुप्ता एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। तो गुप्ताज जो आए तो उसके फाउंडर थे उस वक्त श्री गुप्ता, ये याद रखना पड़ेगा। श्री गुप्ता आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लोग जो थे वो वैश्य थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। तो श्रीगुप्त के बारे में आपको बस यही जानना है कि ये फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के। नेक्स्ट आते हैं इनके सन घटोत्कच, इनके बारे में आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना जानना है कि ये श्री गुप्ता के सन थे। इन दोनों रूलर्स के समय छोटा था काफ़ी गुप्ता एम्पायर, बड़ा नहीं था, तो एक छोटा सा एम्पायर था, राज्य कह सकते हैं हम। लेकिन जब चंद्रगुप्त वन आए, जो घटोत्कच के सन आए, तो वो गुप्ता एम्पायर को बड़ा किए, ठीक है, वो उन्होंने इंक्रीज़ किया अपना एम्पायर। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त वन टू, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो भी है। तो सबसे पहले भी हम लोग चंद्रगुप्त वन के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त वन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि चंद्रगुप्त वन बहुत ही बड़े एरिया में रूल नहीं करते थे। जिस एरिया में रूल करते थे वो मेनली था मगध का एरिया, और इसके अलावा साकेत, प्रयाग, तो मेनली आप देख सकते हैं कि करंट बिहार, यूपी और कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये पार्ट को रूल करते थे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम्स में, वो है गुप्ता एरा किसने स्टार्ट किया था। तो चंद्रगुप्त वन ने स्टार्ट किया था, बहुत रिपीट हुआ ये क्वेश्चंस, इसलिए याद कर लीजिए इसको। ये हुआ था 320 एडी में, तो 320 एडी से ही शुरू हुआ था गुप्ता एज। चंद्रगुप्त वन ने मैट्रिमोनियल अलायंस भी किया था, शादी की थी कुमारा देवी से, जो कि लिच छवि की प्रिंसेस थी। तो कुमार देवी के नाम पर इन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी कराए थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो था गुप्ता एरा, जो कि 320 एडी से स्टार्ट होता है। तो अब नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं, वो है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वन के ये सन हैं, बेटे हैं, और इन्हें माना भी जाता है ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो ये कब रूल करते थे, तो ये 335 के बाद ये रूल करते थे। तो इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है कि ये समुद्रगुप्त, क्या क्या अचीवमेंट था इनका और कितने बड़े रूलर थे, तो इनके बारे में हमें पता चलता है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में एक फेमस गुप्ता एम्पायर के पोएट जिनका नाम था हरिसेना, उन्होंने प्रयाग प्रशिष्टि लिखी थी। तो अलाहाबाद में ही प्रयाग प्रशिष्टि, प्रशिष्टि क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो प्रशिष्टि एक पोयम होता है जिस पे लिखा जाता है किसी की तारीफ के बारे में। समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, इनके बारे में एक और चीज़ पता चली है कि ये म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे और वीणा प्ले करना जानते थे। तो इनकी एक कॉइन पे इमेज है जिसमें ये वीणा प्ले कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि कितना, मतलब, इंटरेस्टेड थे ये म्यूज़िक्स वगैरह में। इन्हें धर्म प्रचार बंधु के नाम से भी जाना जाता है। किंग ऑफ जो श्रीलंका थे, किंग ऑफ श्रीलंका मेघवर्मन, उन्होंने कुछ मिशनरीज भेजे थे समुद्रगुप्ता को कि उन्हें गया बिहार में बुद्धिस्ट टेम्पल बनवानी है। अब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त टू के बारे में, जो कि समुद्रगुप्त के बेटे थे। तो आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, और ये जो फैक्ट्स हम जानेंगे ये बिल्कुल ही एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से होगा, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीटेड आते हैं चंद्रगुप्त टू से, हम उन्हीं को टैबलेट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट वो ये है कि ये पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। इनके टाइम में जो लिटरेचर और आर्ट काफ़ी फ्लरिश किया था इनके कोर्ट में, जो उज्जैन में था, 9 नवरत्न रहते थे, 9 जेम्स रहते थे, उनमें से एक थे कालिदास, इनके अलावा हरिसेना, बाकी लोग भी थे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि उज्जैन को इन्होंने सेकेंड कैपिटल बनाया था, और उज्जैन के कोर्ट में ही इन्होंने 9 नवरत्न बनाया था। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है कुमार गुप्ता, उनके बारे में पढ़ते हैं।
413 एडी के बाद से ये रूल करते थे। तो हम देख रहे हैं 5th century AD के करीब आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है जैसे CGL में कि हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, लॉर्ड कार्तिक को ये फॉलो करते थे, ही फाउट विद हुनाज, ये मोंगोल के ट्राइब थे जो बार बार कुमार गुप्ता के टाइम से अटैक करना शुरू कर दिया था इन्होंने, और कुमार गुप्ता इसी लड़ाई में मारे भी गए थे। कुमार गुप्ता के बाद आते हैं स्कंदगुप्त, उन्होंने फिर हुनास को 2 बार हराया, जिनके कारण उनको टाइटल भी मिला था, विक्रमादित्य टाइटल मिला था। एक लेक था सुदर्शन लेक, उसको रिपेयर कराया था स्कंदगुप्त ने। तो हुनास बार बार अटैक करने लगे, जिसकी वजह से वीक होने लगे गुप्ता पीरियड, उसके बाद वीक रूलर्स आना शुरू हो गए। तो दोस्तों उसके बाद लेटर गुप्ता का टैग दे दिया गया, मतलब वीक गुप्ताज। तो ऐसा क्यों है कि गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा जाता है? तो इसका कारण यह है कि गुप्ता एज के टाइम इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो इसके कारण क्या हुआ था कि एजुकेशन भी काफ़ी बढ़ गई थी, माइंड था, ह्यूमन माइंड था वो अलग क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लेवल पे चला गया, एक नए स्तर पे चला गया। तो उस वक्त हमें कई साइंटिस्ट, लिटरेरी वर्क्स, बहुत बड़े बड़े लेखक, बहुत बड़े बड़े कवि, इसके अलावा कई मंदिर बने, आर्किटेक्चर के नए नए मुकाम पे पहुँचे। तो इसीलिए गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हम लोग इसे डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, डिवाइड कर करके। तो इसका पहला है साइंस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में, मतलब ब्रेक थ्रू एक कह सकते हैं उस टाइम हो सकता है। कई बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, मैथमेटिशियंस आए, जैसे आर्यभट्टा, भास्करा, तो ये सारे गुप्ता एज में ही आए। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। इसके अलावा लिटरेचर की फील्ड में कई बड़े 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 लिटरेचर आए, कवि आए, प्ले राइटर्स आए। उसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो मतलब जितने मंदिर हमको लगता है कि गुप्ता एज में बने हैं उतने कोई भी पीरियड में नहीं बने। तो दोस्तों पोस्ट गुप्ता पीरियड जो है, मतलब ये डाउनफॉल हो गया था, वीक पॉइंट हो गया था, जिसे हम कहते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो इसे हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, तो दो टॉपिक में डिवाइड करेंगे, नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो एक डायनेस्टी उभर कर आया था, उस डायनेस्टी का नाम है वर्धना डायनेस्टी। तो इसे ही हम पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अगर हम बात करें सदर्न इंडियन किंगडम के बारे में, तो एक था चालुक्या और दूसरा था वो पल्लवास, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। तो दोस्तों ये वर्धना, चालुक्या और पल्लवास, ये तीनों एक ही समय में एग्जिस्ट करते थे, एक ही टाइम में। तो वर्धना डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यभूति वर्धना, तो इन्हीं के नाम पर पड़ा है पुष्यभूति डायनेस्टी। तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्धना डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी से क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फाउंडर के नाम से है। ये गुप्ता के ज़मींदार थे, ये हरियाणा के एरिया में थे, तब हूनों ने अटैक किया लेटर गुप्ता के टाइम में, तो गुप्ता वीक होने लगे। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो यही इसी इसे वर्धना डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये छोटे से इलाके दैट इज़ थानेश्वर हरियाणा में ही रूल करते थे, और बाद में एक्सपेंशन होके एक और ये एम्पायर बना बाद में हम ये कह सकते हैं। तो पुष्यभूति वर्धना सिर्फ फाउंडर थे, इम्पॉर्टेंट रूलर नहीं थे। जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स आना शुरू हुए वो है प्रभाकर के टाइम से। प्रभाकर वर्धन फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर हम कह सकते हैं। तो प्रभाकर वर्धन के 2 सन थे, एक है राज्यवर्धन और दूसरे हर्षवर्धन। लेकिन इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हर्षवर्धन, जिन्हें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी भी कहा जाता है। और उन्हें ये भी कहा जाता है कि द लास्ट हिंदू रूलर, द लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर, हर्षवर्धन को माना जाता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि हर्षवर्धन कैसे राजा बने, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन्होंने 40 से ज़्यादा साल प्रॉस्पेरिटी से रूल किया है, और इसीलिए इनको कहा जाता था शिलादित्य। इम्पोर्टेंट नाम है शिलादित्य, ये याद कर लीजिए। तो जैसे ही इन्होंने हराया कन्नौज को, तो इन्होंने कन्नौज को अपना कैपिटल घोषित कर दिया, और इन्होंने वर्धना डायनेस्टी को वहीं तक सीमित नहीं रखा, उसे और एक्सपैंड किया। वो और ईस्ट गए और मगध के इलाकों को भी अपने अंदर कर लिए। तो शशांक जब बूढ़े होकर डेथ हो गए तो उन्होंने हमला किया और फाइनली गॉड और मगध के इलाका को भी अपने अंदर कर लिया। इन्होंने एक्सपेडिशन करने की कोशिश की, साउथ जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हार मिली, सिर्फ एक हार मिली, वो है पुलकेशिन टू द्वारा हार मिली। हुएन सांग जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे वो इनके टाइम विजिट करने आए थे।
हर्षवर्धन ने कन्नौज असेंबली भी कंडक्ट कराई थी ह्यूएन संघ के ऑनर में, जब वो इंडिया आए थे। कई सालों तक इंडिया में रुके थे और इंडिया के कल्चर के बारे में जानने की कोशिश की थी, तो उस वक्त कन्नौज असेंबली कंडक्ट की थी सिर्फ इनके ऑनर में। हर्षवर्धन सिर्फ एक बड़े योद्धा ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े लेखक भी थे। इन्होंने 3 प्ले बहुत अच्छे से लिखा है, इंपॉर्टेंट प्ले है, याद रखना है, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, याद कर लीजिएगा नाम। तो बाना भट्टा जो है उन्होंने लिखा था हर्षचरिता, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, इसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। ह्यूएन सांग जो है वो भी एक बुक लिखे थे और उस बुक का नाम है सीयू की, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कन्नौज के अलावा हम बात करें तो गौड़ एक इलाका है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल का इलाका है। तो वहाँ के एक रूलर थे, बहुत ही बड़े फेमस रूलर थे शशांका, और उनके साथ थे मिले देवगुप्त जो कि मालवा एरिया के रूलर थे। तो देवगुप्ता ने अटैक कर लिया कन्नौज पे और राजश्री को कर लिया इम्प्रिजन। देवगुप्ता और इनके सपोर्ट में कौन थे? शशांका। शशांका ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया लेकिन वो सपोर्ट में थे देवगुप्ता के। अब राजवर्धन ने अपनी बहन को छुड़ाने के लिए ऑब्वियसली हमला किया और कन्नौज पर हमला किया, और इस प्रोसेस में, इस लड़ाई में राजश्री तो भाग गई लेकिन राजवर्धन को शशांका ने मार डाला। तो देवगुप्ता को राजवर्धन ने हरा दिया और जब उनके बैकअप थे जो शशांक थे वो आ गए, उन्होंने राजवर्धन को मार डाला। अब राजवर्धन के मरने के बाद जो सारी जिम्मेदारी थी वो आ गई हर्षवर्धन पे। तो हर्षवर्धन ने फिर भार उठाया और हर्षवर्धन ने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने कन्नौज पर हमला किया और हमला करते ही शशांका को सीधा हरा दिया। शशांका को हरा दिया क्योंकि उसको रिट्रीट करना पड़ा वापस से अपने गॉड के इलाके में, और कन्नौज को जो है वो वर्धना डायनेस्टी के अंदर आ गया। तो हर्षवर्धना के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं कि उनको किंग बनाया गया था मात्र 16 साल की उम्र में इन 606 AD। तो इतनी कम उम्र में उन्होंने शशांका को हराया था। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने हराते ही शशांका को हराने के बाद उन्होंने कन्नौज को अपना कैपिटल घोषित कर दिया और इन्हें सबसे ग्रेटेस्ट वर्धना रूलर भी माना जाता है।